नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह भारतीय विद्या प्रकाशन द्वारा प्रकाशित भोजदेव कृत राज मार्तंड वृत्ति समेतम पातंजलय योग सूत्रम भाषा टीका सहित है। पुस्तक के संपादक डॉ. रामशंकर भट्टाचार्य हैं वाराणसी से और हिंदी व्याख्याकार डॉ. अमलधारी सिंह जी हैं। डॉ. अमलधारी सिंह भूतपूर्व प्रधानाचार्य भैंसवाड़ा डिग्री कॉलेज लालगंज रायबरेली। पुस्तक का मूल्य जो है वह 250 रुपये है। भारतीय विद्या प्रकाशन की अपनी वेबसाइट है। जिस समय मुझे पुस्तक लेनी थी उस समय इस वेबसाइट पे पुस्तक मुझे नहीं मिली, तो मैंने फिर एग्जॉटिक इंडिया से पुस्तक मंगवाई थी। कोई डिस्काउंट नहीं था एग्जॉटिक इंडिया पे और शिपिंग चार्जेस जो कुरियर वाले होते हैं वहाँ वो एडिशनल थे। शादीलाल ग्रंथमाला नंबर 3 पातंजलय योग सूत्रम भोजदेव कृत राज मार्तंड वृत्ति समेतम धारेश्वर भोज तद ग्रंथ तन्मत समीक्षा पातंजल्य सिद्धांत आदि विवरणात्मिकया भूमिकया विस्तृत हिंदी व्याख्या च संवलितम। कुल पृष्ठ पुस्तक में भूमिका के करीब 26 पृष्ठ हैं, फिर विषय सूची इत्यादि 8 पृष्ठों में हैं और 307 में जो मूल ग्रंथ है योग सूत्र और राज मार्तंड वृत्ति वह दी गई है। भूमिका जो है वो संपादक द्वारा है, डॉक्टर रामशंकर भट्टाचार्य द्वारा, और फिर आगे की जो हिंदी व्याख्या है और अनुवाद इत्यादि है वो डॉक्टर अमलधारी सिंह द्वारा है। भूमिका का कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। सुगृहित नामधेय डॉक्टर सुरेंद्रनाथ दास गुप्त कहते हैं, यहाँ डॉक्टर एस एन दास गुप्ता की बात हो रही है, कि भोजवृत्ति व्यास भाष्य की ही व्याख्या है। यह वस्तुतः अण्वेक्षण है, तो जो संपादक हैं वो इससे सहमत नहीं है। भोजवृत्ति योग सूत्र की एक स्वतंत्र व्याख्या है, व्यास भाष्य की नहीं, यद्यपि इसमें बहुत व्यास भाष्य की छाया उपलब्ध होती है। भोजराज ने व्यास भाष्य की कोई व्याख्या लिखी थी इसका कोई प्रमाण ज्ञात नहीं होता और दासगुप्त महोदय ने भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया है। यह वृत्ति लघु है और वृत्तिकार स्वयं कहते हैं कि उन्होंने व्याख्या को विस्तृत नहीं किया है बल्कि विकल्प जाल का परित्याग ही किया है। इस व्याख्या का प्रमाण पूर्वाचार्यों ने माना है। गोदावर मिश्र योग चिंतामणि लेखन काल 15वीं शताब्दी के प्रथमांश के आरंभ में कहते हैं, तो इस श्लोक में भोजदेव की वृत्ति जो है उसकी चर्चा है। उसी प्रकार श्री परशुराम कृष्ण गोड़े महोदय ने भी इस ग्रंथ के पर विशद विचार किया है। शिवानंद सरस्वती ने योग चिंतामणि में भोजदेव कृत इस वृत्ति का उदाहरण दिया है। शाक्त भास्कर राय ने ललिता सहस्त्र नाम के भाष्य में इस वृत्ति का उल्लेख किया है इत्यादि। फिर यहाँ राजा भोज का परिचय दिया गया है। वृत्तिकार भोज राजपूत जाति के अंतर्गत परमार वंश में आविर्भूत हुए थे। प्रारंभिक काल में परमार वंशीय नृपतिगण आबू पर्वत में रहते थे। बाद में इस वंश के राजाओं ने मालव देश में जाकर अपना राज्य स्थापित किया था। इन राजाओं की विद्वता और शौर्य के कारण उज्जैनी एवं धारा नगरी इतिहास प्रसिद्ध हो गई। भोज ने उज्जैनी के स्थान पर धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाया। यही कारण है कि उनके ग्रंथकारों ने धारेश्वर धाराधिपति आदि नामों का प्रयोग भोज का लक्ष्य कर किया है। भोज रणरंगमल उपाधि से प्रसिद्ध थे। उसके बाद कुछ और जानकारी दी गई है परमार वंश के बारे में, परमार वंश के अन्य राजाओं के बारे में। राजा होते हुए भी प्रामाणिक ग्रंथों के प्रणेता होने का उदाहरण विरल है। यही कारण है कि विद्वानों ने भोज के मतों का उल्लेख करने के समय सहृदय होकर श्रद्धा प्रदर्शनार्थ राजा शब्द का प्रयोग किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भोज शैव थे। उन्होंने एक बृहत संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया था जिसमें सरस्वती की एक भव्य प्रतिमा भी थी। यह प्रतिमा इस समय इंग्लैंड के ऐतिहासिक संग्रहालय में है। भोज ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था जिसके अवशेष आज भी अंशतः मिलते हैं। यहाँ विद्या प्रस्थानों में भोज के प्रमाण है। योग विद्या के अतिरिक्त अनन्यान शास्त्रों में भी भोज का प्रमाण माना जाता है। इस विषय में कुछ प्रसिद्ध स्थल उद्धृत किए जा रहे हैं। तो ये केवल इस भोजवृत्ति योग सूत्र पर भोजवृत्ति पर आधारित नहीं है, अन्य कृतियों पर भी जहाँ भी राजा भोज के जो प्रमाण हैं उनको उद्धृत किया गया उसके बारे में। अमरकोश की टीका श्रीरर स्वामी की ने अनेकधा भोज के मतों का उपन्यास किया है। वैसे ही क्षीर तिरंगनी में भोज के शब्द संबंधी सुभूति चंद्रकृत अमरकोश टीका में, अष्टांग हृदय की केरली व्याख्या में, डलहन के सुश्रुत टीका में, चिकित्सा संग्रह और उसकी टीका तत्व चंद्रिका में भोज का मत उद्धृत किया गया है।
गंधवाद परक ग्रंथों में धारेश्वर भोज का मत उल्लिखित हुए हैं। विराट पर्व की विमल बोधकृत टीका में, राघव भट्टकृत शकुंतला टीका में, लक्ष्मण भट्टकृत पद रचना में, शंकरकृत वास्तु शिरोमणि ग्रंथ में, धनुर्विद्या में भोजराज की पटुता की प्रशंसा को दंड मंडन ग्रंथ में मिलती है। लक्ष्मण पंडित कृत अद्वैत सुधा में और स्मृति शास्त्र में विद्वानों ने भोज के स्वबहुमान उल्लेख किया है। फिर यहाँ भोज के ग्रंथ, उन्होंने जो जिन जिन ग्रंथों की रचना की थी उसका उल्लेख किया गया है। भोज के निम्नोक्त ग्रंथ भी अत्यंत प्रसिद्ध हैं, सरस्वती कंठाभरण अलंकार शास्त्र, श्रृंगार प्रकाश अलंकार शास्त्र, समारंग सूत्रधार शिल्प रणादि परक, युक्ति कल्पतरु शिल्प वस्तु यंत्रादि परक, तत्व प्रकाश शैव मत संबंधी। महाराजा भोज हमारे देश के आदर्श नरपति हैं। विद्या विक्रम और वैभव के क्षेत्र में उनका कार्य चीर स्मरणीय होगा। ये संस्कृत भाषा के पुनरुद्धारक के रूप में चीरकाल तक स्मृत होते रहेंगे। भोज की दृष्टि में योग सूत्रकार, यहाँ पर अब भोज की दृष्टि में योग सूत्रकार यानी कि महर्षि पतंजलि के बारे में इनकी क्या मान्यता थी उसका यहाँ उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो संपादक हैं वो सहमत नहीं हैं इनके मत से। अहितपति शेष यानंद नाग के दूसरा रूप पतंजलि इस योग सूत्र के रचयिता हैं, ऐसा भोज कहते हैं। वे यह भी कहना चाहते हैं कि एक पतंजलि ने ही योग सूत्र, व्याकरण, महाभाष्य और आयुर्वेदीय ग्रंथ चरक का प्रति संस्कार, चरक वार्तिक या इस प्रकार का कोई ग्रंथ, इन तीनों की रचना की है। इस विषय पर बृहद चर्चा है, जो हमने श्री उदयवीर शास्त्री का भाष्य देखा था उस पुस्तक की भूमिका काफ़ी बड़ी है, उसमें भी इस विषय पर चर्चा है। यहाँ भी उसकी तुलना में थोड़ा संक्षेप में चर्चा है, लेकिन अच्छी चर्चा है। तो ये अपने प्रमाण रखते हैं संपादक और फिर कहते हैं, इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि महाभाष्यकार एवं योग सूत्रकार एक व्यक्ति नहीं हो सकता। प्रसिद्ध नाग नामों की सूची में पतंजलि का नाम है मत्स्य पुराण, और मत्स्य पुराण में कहाँ है वह दिया गया है। और हम समझते हैं कि इस नाम सादृश्य के कारण शेष नागावतार पतंजलि के द्वारा योग सूत्र प्रणीत हुआ है इत्यादि प्रवाद बाद के उत्पन्न हुआ है। हम यह भी समझते हैं कि पूर्वोक्त भ्रम के कारण ही योग सूत्र या योग सूत्रकार का कोई संबंध अनंत से हो गया। इसका ही फल है कि हमें विष्णु धर्मोत्तर पुराण में पतंजलि शास्त्र की मूर्ति का निर्माण अनंत के रूप में बनाने का स्पष्ट निर्देश मिलता है। अनंत भी एक नाग नाम है जिसको शेष नाग माना जाता है। विष्णु पुराण और अग्नि पुराण दोनों का उल्लेख किया गया है। इस नाग को कहीं कहीं योगी वदासीन आदि विशेषण भी दिए गए हैं, और हम समझते हैं कि इस प्रकार के कुछ सदृश्यों से ही पूर्वोक्त प्रवाद बना होगा। फिर आगे यह भोज कृत व्याख्यान के कुछ विशिष्ट स्थलों के का उल्लेख करते हैं। पॉइंट वाइज दिया गया है, काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे हैं, करीब 22 पॉइंट्स हैं, और इसमें कुछ जगहों पे संपादक जो हैं वो भोजदेव के मत को उपयुक्त मानते हैं, कुछ जगहों पे असंगत मानते हैं, कुछ जगहों पे संगत मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, पहला पॉइंट है 141 यानी कि पहले पाद का 41वां सूत्र। सूत्रवृत्ति में भोज कहते हैं कि यद्यपि सूत्र में ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्य रूप क्रम है, तथापि भूमिका क्रम की दृष्टि से ग्राह्य ग्रहण ग्रहित्री ऐसा क्रम होना चाहिए, यह संगत दृष्टि है। समापत्ति के अभ्यास से भोजोक्त क्रम ही अपनाया जाता है। तो जो भोजोक्त क्रम है वही जनरली भी अन्य के द्वारा भी वही अपनाया जाता है। अब यहाँ कह रहे हैं जहाँ वो नहीं कही एग्री करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्री करते हैं, योग सूत्र में संवेक शब्द है प्रथम पाद 21वां सूत्र, कोई इसका वैराग्य करते हैं तो कोई उपायानुष्ठान में शीघ्रता करते हैं, ये दो अर्थ सर्वथा समीचीन नहीं है। भोज ने इस शब्द का जो अर्थ दिया है, क्रिया का हेतुबोध दृढ़तर संस्कार, वह संगत प्रतीत होता है। यहाँ संपादक कहते हैं प्रथम पाद के 34वें सूत्र की वृत्ति में प्रच्छर्दन विधारण की व्याख्या में भोज रेचक पूरक कुंभक रूप प्राणायाम का अभ्यास मानते हैं, यह असंगत है क्योंकि सूत्र में प्रच्छर्दन पूर्वक विधारण गत्य भाव ही कहा गया है, यह पूर्ण प्राणायाम नहीं है। पूर्ण प्राणायाम का विवरण
पाद संख्या 2 के 48वें से 50वें सूत्र में है। विशेष विवरण के लिए कपिल आश्रमीय पातंजलि योग दर्शन द्रष्टव्य है। ये जो कपिल आश्रमीय पातंजलि योग दर्शन का यहाँ उल्लेख किया गया है, ये शायद स्वामी हरिहरानंद अरण्य का जो योग सूत्र का भाष्य है, वो कपिल मठ के संस्थापक हैं जो बिहार में उस समय बिहार में था, अब झारखंड में है, उनका भाष्य है, शायद उसी का यहाँ पे रेफरेंस है। ये भाष्य भी हम आगे चल के देखेंगे इसी श्रृंखला में। तो इस प्रकार से इन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ मेंशन किए हैं। योग सूत्रोक्त ईश्वर के विषय में भोज की भ्रांत दृष्टि, यहाँ जो संपादक हैं ये भोज देव की जो ईश्वर के बारे में जो दृष्टि है योग सूत्र के आधार पर उनकी वृत्ति में जो उन्होंने लिखा है उससे भी सहमत नहीं लगते हैं कुछ हद तक। और तो ये अपना यहाँ पर जो दृष्टिकोण है वो प्रस्तुत कर रहे हैं संपादक और भोजदेव का भी। यह समाहार अनादि मुक्त चित्तवान ईश्वर द्वारा कृत नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर भी पुरुष प्रकृति से संयुक्त का ही एक फल है। ये संपादक का व्यू है। तो इस पर विस्तृत चर्चा की उन्होंने। योग सूत्र एवं भोजवृत्ति, भोजवृत्ति में जितने सूत्र स्वीकृत हुए हैं वे सभी व्याख्याकारों के द्वारा अनुमोदित हैं। निम्नोक्त स्थलों पर कुछ मतभेद हैं। तो एक तरह से अन्य व्याख्याकारों से जो मतभेद है वो यहाँ उल्लेख किया गया है, तीन पॉइंट में। फिर सूत्र पदच्छेद में मतभेद और सूत्र के पाठ में भेद। तो यहाँ जो है जो मतभेद है, योग सूत्रों की संख्या तो सेम है लेकिन कुछ अंश जो है वो कहीं पे भोजदेव ने भाष्य का अंश लिया है, कहीं पे सूत्र का अंश, किसी और ने उसको सूत्र का अंश लिया है। जैसे ये एग्जाम्पल दिया गया है चौथे पाद का 16वां सूत्र, न चैकचित्त तंत्रम इत्यादि वाक्य भोज के अनुसार सूत्र नहीं है, वे इस वाक्य को भाष्य का अंगमान समझते हैं, यानी कि व्यास भाष्य का। विज्ञान भिक्षु इस वचन को सूत्र ही समझते हैं। तो इस प्रकार से पहला है, फिर पच्छेद में मतभेद है और फिर सूत्र पाठ में जो मतभेद है उनका उल्लेख किया गया है। तो ये भी करीब 25 यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। भोज वृत्ति के अनेक संस्करण प्रचलित हैं। अंग्रेजी में इसका अनुवाद राजेंद्र लाल मिश्र ने किया था जो बिब इंडिया में 1883 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका है। योग सूत्र की कई टीकाएं सुप्रचलित हैं, यथा भावा गणेश कृत प्रदीपिका, नागेश कृत दो वृत्तियां बृहती और लघ्वी, नारायण तीर्थ कृत चंद्रिका या योग चंद्रिका या तथा अर्थबोधनी, रामानंद यथि कृत मणिप्रभा, आनंद देव कृत चंद्रिका, सदाशिवेंद्र कृत योग सुधाकर, बलदेव मिश्र कृत योग प्रदीपिका। आधुनिक काल में भी कई टीकाएं लिखी गई हैं, यथा हरि प्रसाद कृत वैदिक वृत्ति, ब्रह्म ऋषि सत्यदेव कृत योग रहस्य, स्वामी हरिहरानंद अरण्य कृत श्लोकबद्ध टीका योग कारिका। यही था जो कपिल आश्रम संबंधित जो भाष्य है, मेरा अनुमान है कि वो यही है। ज्ञानानंद कृत भाष्य तथा कृष्ण वल्लभाचार्य स्वामी नारायण कृत भाष्य। इन सभी टीकाओं से भोजवृत्ति प्राचीन है। व्यासभाष की वाचस्पति कृत टीका भोज से प्राचीन है तथा अधुना प्रकाशित शंकराचार्य कृत व्यासभाष टीका विवरण भोजवृत्ति से प्राचीन हो सकती है। आजकल रामानंद यथि कृत टीका तथा भोजवृत्ति की पठन पाठन में सरल प्रचलित है। तो संपादक द्वारा रामानंद यथि कृत मणिप्रभा टीका हम ये भी देखेंगे और भोजवृत्ति तो हम देख ही रहे हैं। इन्हीं दोनों का अध्ययन जो है वह प्रचलित है योग दर्शन के विद्यार्थियों द्वारा। भोजवृत्ति का हिंदी अनुवाद डॉक्टर अमलधारी सिंह जी ने किया है। ये जो अन्य टीकाएं हैं इनमें से कई टीकाओं का हम कम से कम मूल तो देखेंगे ही और एक ऐसा भी ग्रंथ देखेंगे जिनमें सभी टीकाओं का समावेश करके और एक तरह से अपना मत कहा गया उसमें विभिन्न हर सूत्र पर तो नहीं लेकिन हर पाद पर एक तरह से विचार प्रकट किया गया है और उन विचारों में अलग अलग भाष्यों का मत जो है जो भी उपयुक्त लगा है लेखक को उसका प्रयोग किया गया है। तो एक ऐसी पुस्तक भी हम देखेंगे। बाकी मूल में तो हम इनमें से कई सारे भाष्य देखेंगे। विषय सूची है जिसमें योग सूत्र जो मूल सूत्र है उसको प्रस्तुत किया गया है मूल संस्कृत में। तो प्रथम समाधि पाद है, 1 से लेकर के आपको 51 तक सूत्र हैं। फिर साधन पाद के 55 सूत्र, विभूति पाद 55 सूत्र और कैवल्य पाद के 33 सूत्र हैं इसमें। ऐसे तो अन्य ग्रंथों में 34 सूत्र हैं। यहाँ से ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है और प्रथम पाद जो है वो यहाँ है, अथ योगानुशासनम।
उसके बाद उसका अर्थ दिया गया है, और विशेष में जो अनुवादक हैं उन्होंने अपने तरफ से कुछ टिप्पणी दी है। तो विशेष कहीं बड़ा है कहीं छोटा है, हर जगह एक जैसा नहीं है। पुस्तक में एक थोड़ा सा जो कह सकते हैं चैलेंज है पढ़ने में, वो यह है कि जैसे ये वृत्ति आई, अब अथ योग अनुशासनम आया, अर्थ आया, फिर विशेष आया, तो ये अनुवादक की अपनी टिप्पणी है। ये जो वृत्ति आई है भोज देवकृत वृत्ति का मूल है, तो इसका भी फॉन्ट साइज़ इस हिंदी फॉन्ट साइज़ से सेम ही है। आइडेंटिफाई करने के लिए बस यहाँ एक वृत्ति हेडिंग है, बाकी ऐसे सेम ही है। ये संस्कृत में है, ये हिंदी में है, वो तो अंतर है ही। फिर वृत्ति का जो अनुवाद है वो पच्छेद रूप में ही दिया गया है, तो वो पूरा एक फ्लो में हिंदी अनुवाद नहीं है। अब जैसे अनेन सूत्रेन शास्त्रस्य संबान संबंधाभिधेय प्रयोजनाख्या प्रयोजन प्रयोजन अनाख्यायन्ते, तो अब पच्छेद रूप में दिया गया अनेन इस सूत्रेण सूत्र के द्वारा शास्त्रस्य प्रस्तुत योग शास्त्र के संबंध अभिधेय प्रयोजनानि संबंध अभिधेय उद्देश्य अर्थात अनुबंध चतुष्टय आख्यायन्ते कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से ही पढ़ना भी पड़ेगा अनुवाद, क्योंकि एक फ्लो में हिंदी नहीं दी गई है। और उसके बाद फिर से विशेष में अनुवादक ने अपनी ओर से अधिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। अब योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, इसका अर्थ दे दिया गया, फिर विशेष दिया गया अर्थ के संदर्भ में, फिर वृत्ति आई, ये वृत्ति का मूल संस्कृत है यहाँ तक, ये देखिए नंबर 2 से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे, और ये संस्कृत है कि ये ख़त्म हो गई, बाकी फॉन्ट साइज़ में कोई अंतर नहीं है। और फिर पच्छेद रूप में ही इसका अनुवाद दिया गया है, मतलब एक एक शब्द का या हिंदी अनुवाद ब्रेक कर करके संस्कृत शब्द इक्वल टू हिंदी, फिर एक संस्कृत शब्द फिर इक्वल टू हिंदी, तो ऐसा थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ी कठिनाई तो इससे होती है। तो इस प्रकार से दिया गया, बाकी फॉन्ट साइज़ और प्रिंटिंग का ऐसा कोई बहुत मेजर इशू नहीं है, पढ़ने में सुलभ है पुस्तक। यहाँ एक जगह पे ये शायद प्रिंट के समय ही पेज फोल्ड हो गया था, तो कुछ मिसिंग नहीं है, लेकिन ये जो छपाई है अगर ये पेज फोल्डेड रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फोल्ड के ऊपर ही ये प्रिंट हो गया है। यहाँ पर कैवल्य पाद है जो चौथा अंतिम पाद है, इसके 29वें सूत्र में जो भोज वृत्ति दी गई है उसका कोई अनुवाद नहीं दिया गया है। अब यह ततः किमित्याह जो अगले सूत्र का इंट्रोडक्शन है उसका तो यहाँ अनुवाद दिया गया है, पच्छेद दिया गया है, मगर ये जो वृत्ति है इसका अनुवाद नहीं है। तो या तो छपाई में छूट गया है, या एडिटिंग में छूट गया है, या अनुवादक महोदय जो है उनसे ही छूट गया था। तो छोटी ही वृत्ति है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है इस चौथे पाद के 30वें सूत्र की वृत्ति। पुस्तक जो है पृष्ठ संख्या 307 पे समाप्त हो जाती है, उसके बाद किसी प्रकार का परिशिष्ट इंडेक्स कोई अनुक्रमणिका इत्यादि नहीं दी गई है। ये थी कुछ जानकारी भारतीय विद्या प्रकाशन द्वारा प्रकाशित भोज देवकृत राज मार्तंड वृत्ति की पातंजलि योग सूत्र पे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।